तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजा कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एडवांस टेक राजा। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि आप अपने फोटोशॉप से पैन कार्ड को कैसे प्रिंट कर सकते हैं परफेक्ट साइज में। तो आप इस वीडियो में बने रहे अंत तक। तो अगर आप पैन कार्ड प्रिंट करना चाहते हैं परफेक्ट साइज में, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना फोटोशॉप ओपन करना है। फोटोशॉप जो कि मैंने पहले ही ओपन करके रखा है, तो ये मेरा भी फोटोशॉप ओपन है। फोटोशॉप ओपन करने के बाद आपको कोई सा भी एक पैन कार्ड ले लेना है जो आपको प्रिंट करना है परफेक्ट साइज में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्क्रीन पे अभी दो पैन कार्ड आपको दिख रहे होंगे। तो ये अगर आप डाउनलोड करेंगे पैन कार्ड, तो आपको कुछ इस तरह से पैन कार्ड मिलता है। तो इसे प्रिंट करने के लिए आपको कुछ इस तरह से बनाना पड़ता है। तो इसे कैसे बनाते हैं, तो आज की इस वीडियो में यही बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना फोटोशॉप ओपन करना है। फोटोशॉप ओपन करने के बाद आपको पीडीएफ ओपन करना है, जो भी आप पैन कार्ड प्रिंट करना चाहते हैं। पीडीएफ ओपन करने के बाद आप, मैं इसे कट कर देता हूँ यहाँ से। पीडीएफ ओपन करने के बाद आपको यहाँ से एक न्यू फाइल लेना है, जो कि आप कंट्रोल एन से भी ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से न्यू का ऑप्शन दिख जाएगा, और इस न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा। तो आपको यहाँ पे प्रीसेट साइज में आपको यहाँ पे A4 साइज सिलेक्ट करना है, और यहाँ से आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो A4 साइज सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे टूल बॉक्स में आना है, और यहाँ से आपको ये सेव वाला जो आपको दिख रहा होगा, ये सेव का ऑप्शन है, तो इस पे आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से आप दूसरा नंबर वाला सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ से इस पे राइट क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे दूसरे नंबर वाला जो टूल है, राउंडेड रेक्टेंगल टूल, ये आपको सिलेक्ट करना है, और यहाँ से आपको इस एरो वाले बटन पे क्लिक करना है। और जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे सबसे पहले आपका यहाँ पे सिलेक्ट होगा, तो आपको यहाँ पे फिक्सेड साइज का एक ऑप्शन दिखेगा, तो सिंपली आपको इस फिक्सेड साइज पे क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विथ पूछेगा, तो विथ में आपको यहाँ पे इंटर करना है 1016px, ये आपको इंटर करना है विथ में, और हाइट में आपको यहाँ पे 630px ये आपको इंटर करना है। ये इंटर करने के बाद आपको यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे रेडियस में आपको 50px इंटर करना है, और यहाँ से मोड को आपको यहाँ से नॉर्मल सिलेक्ट करना है। तो इतना सेटिंग होने के बाद अब आपको यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको इस लेयर वाले ऑप्शन पे आना है। अगर ये आप में नहीं आ रहा है, सिंपली आप यहाँ से विंडोज पे जाएंगे और यहाँ से आपको लेयर का ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। अभी मेरा पहले से ही था तो ये चला गया, तो मैं फिर से इस पे क्लिक करता हूँ लेयर का ऑप्शन पे। तो लेयर का ऑप्शन इनेबल होने के बाद आपको यहाँ पे सबसे नीचे में आएंगे तो आपको यहाँ पे एंटिटी लेयर का ऑप्शन दिख जाएगा, तो सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक एंटिटी लेयर का ऑप्शन दिख जाएगा। तो आपको यहाँ पे दो लेयर क्रिएट करना है, तो मैं और एक बार यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये देख सकते हैं कि लेयर वन और लेयर टू ये आपको शो कर जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लेयर वन को सिलेक्ट करना है, और यहाँ से आपको सेव वाले बटन पे आना है, और आपने जो A4 साइज का जो पेपर लिया है, आपको सिंपली आपको इस पे एक बार इसे टैप करना है, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे आपको इसे कुछ इस तरह से ला के यहाँ पे छोड़ देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ब्लैक आ रहा है, तो आपका यहाँ पे जो भी कलर सिलेक्ट होगा, जैसे मेरा अभी ऊपर वाला कलर में ब्लैक है तो यहाँ पे ब्लैक आ रहा है। अगर आपका वहाँ पे व्हाइट सिलेक्ट है या फिर ब्लू सिलेक्ट है, जो भी कलर सिलेक्ट है वही आपका यहाँ पे शो करेगा। तो लेयर वन पे ये लेने के बाद आपको यहाँ पे दूसरे लेयर को सिलेक्ट करना है, लेयर टू को, और फिर से आपको एक बार स्क्रीन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो दूसरा भी शेप बन के तैयार हो जाएगा, तो आप अपने हिसाब से इसे फिट कर ले और इसे छोड़ दे। छोड़ने के बाद अभी आप देख सकते हैं कि ये दोनों लेयर क्रिएट हो चुका है। ये होने के बाद आपको यहाँ पे अपने पेन कार्ड में आना है और इसे जूम करना है। अल्ट प्रेस करेंगे और माउस का कर्सर ऊपर करेंगे तो ये जूम होता नजर आएगा। तो जूम करने के बाद आपको यहाँ पे टूल वाले ऑप्शन पे आना है, और यहाँ से आपको सिलेक्टिव टूल का ऑप्शन दिखेगा, तो सिंपली आपको इसे सिलेक्ट करना है, और यहाँ से आपको पेन कार्ड को कुछ इस तरह से क्रॉप करना है, जैसे मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ। तो आप अपने हिसाब से कर ले, आपका पिन कार्ड कितना भी बड़ा हो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर ले। सिलेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पे अपने कीबोर्ड में कंट्रोल सी प्रेस करना है, और यहाँ से बैक आते हैं और इस वाले पेपर पे आते हैं और इसे बड़ा करते हैं। तो अभी आपने जो फोटो कॉपी किया था, सिंपली आपको यहाँ पे इस पेज पे आके आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो पेस्ट करने के लिए आपको कंट्रोल वी प्रेस करना है। जैसे आप कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो ये फोटो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसका ऊपर होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे मान ले ये लेयर वन है और ये लेयर टू है, तो ये लेयर थ्री होगा। तो लेयर के ऊपर हमेशा पैन कार्ड रखना है आपको। तो जैसे अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये ऊपर है या नहीं। तो इस तरह से ऊपर होने के बाद तो आपको इसे जूम करना है, और जूम करने के बाद आपको यहाँ पे इसे सिलेक्ट करना है और अपने कीवर्ड में कंट्रोल अल्ट जी प्रेस करना है। जैसे आप कंट्रोल अल्ट जी प्रेस करेंगे तो ये इसके अंदर चला जाएगा। तो अब अपने हिसाब से इसे फिट कर लें। तो आपको ये कुछ इस तरह से फिट करना है, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आप इसे पकड़ के कुछ इस तरह से खींच लेंगे, और नीचे भी कुछ इसी तरह से खींचेंगे, तो ये फिट हो चुका है। तो फिट होने के बाद आपको यहाँ से इंटर वाले बटन पर क्लिक करना है, और जैसे आप इंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे अपने कीबोर्ड में कंट्रोल ई प्रेस करना है, तो ये दोनों इमेज एक साथ जुट जाएगा। तो मर्ज होने के बाद ये सिंगल ही इमेज बन जाएगा। तो सिंगल इमेज बनने के बाद आपको यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पे आना है, और यहाँ से आपको स्टॉक का ऑप्शन दिखेगा, तो सिंपली आपको इस स्टॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बॉक्स खुलेगा, तो बॉक्स में आपको यहाँ पे विथ में डालना है 8px, और यहाँ से आपको कलर सिलेक्ट करना है ब्लैक,
और यहाँ से आपको सेंटर वाले बटन पे क्लिक करना है और नॉर्मल रहना चाहिए आपका मोड, और ओपेसिटी आपको 100 रखना है और यहाँ से ओके वाले बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप वहाँ पे ओके करेंगे तो आपके पैन कार्ड के चारों तरफ आप देख सकते हैं कि ये बॉर्डर लग चुका है। तो ये तो हो गया पहला भाग का, अब पीछे वाला देखते हैं। तो पीछे वाला लेने के लिए आपको सिंपली सेम वही प्रोसेस करना है, आपको यहाँ पे टूल वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ से आपको सिलेक्टेड टूल सेलेक्ट करना है और इस दूसरे वाले पार्ट को भी आपको कुछ इस तरह से क्रॉप कर लेना है। तो आप इस तरह से सिलेक्शन बनाएंगे और यहाँ से आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल सी प्रेस करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा इमेज। आपको इसे बड़ा कर लेना है, बड़ा करने के बाद आपको यहाँ से इसे पेस्ट कर देना है कंट्रोल वी की मदद से। तो जैसे आप पेस्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये पैन कार्ड अभी इसके अंदर जा रहा है, तो इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर जाना चाहिए। तो उसके लिए आपको इस पैन कार्ड को लेयर 2 के ऊपर रखना होगा। तो जैसे आप उसे ऊपर रखेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। तो ऊपर आने के बाद आपको यहाँ से पैन कार्ड सिलेक्ट करना है और अपने कीबोर्ड में आपको कंट्रोल अल्ट जी प्रेस करना है। तो जैसे आप कंट्रोल अल्ट जी प्रेस करेंगे ये ब्लैक शेडो के अंदर घुस जाएगा, तो इससे आपको साइज मिलाने में आसानी होगी। तो चलिए हम इसे जूम करके साइज मिला लेते हैं, कुछ इसी तरह से साइज सिलेक्ट करना है और इधर भी कर लेते हैं और नीचे भी। तो ये कुछ इस तरह से हो चुका है और इसे डबल क्लिक करते हैं या फिर आप इंटर भी कर सकते हैं। अब आपको अपने कीबोर्ड में कंट्रोल ई प्रेस करना है तो ये दोनों इमेज एक साथ जुड़ जाएंगे, ब्लैक इमेज और पैन कार्ड का जो इमेज है वो दोनों एक साथ मर्ज हो जाएंगे। मर्ज होने के बाद अब इसमें स्टॉक ऐड करेंगे। स्टॉक ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ से आपको स्टॉक का ऑप्शन दिखेगा। तो जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर से वही बॉक्स खुलेगा आपके सामने। तो आप यहाँ पे देख ले 8px होना चाहिए, कलर ब्लैक होना चाहिए, लोकेशन में आपको सेंटर होना चाहिए, मोड आपका नॉर्मल होना चाहिए और ओपेसिटी आपका 100 होना चाहिए। इतना होने के बाद आपको यहाँ से ओके वाले बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप ओके वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चारों तरफ बॉर्डर लग चुका है। दोनों इमेज में आपको सेम ही प्रोसेस करना है। इतना होने के बाद आपको इस दोनों इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पे अपने कीबोर्ड में कंट्रोल ई प्रेस करना है तो दोनों इमेज एक साथ मर्ज हो जाएंगे। और अगर आप इस इमेज को सेव करना चाहें तो सेव भी कर सकते हैं। सेव करने के लिए आपको यहाँ पे फाइल वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ से आपको सेव एज का ऑप्शन दिखेगा, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये खुलेगा, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है डेस्कटॉप। आप जहाँ भी सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे सिलेक्ट करना चाहता हूँ। और यहाँ से आप फाइल नाम भी दे सकते हैं, कोई सा भी फाइल नाम दे सकते हैं आप अपने हिसाब से। फाइल नाम देने के बाद आपको यहाँ पे फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ से आपको PSD पहले से सिलेक्ट रहता है तो आपको यहाँ पे JPG वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। और JPG सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सेव वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको क्वालिटी में आपको मैक्सिमम सिलेक्ट करना है और यहाँ से ओके वाले बटन पे क्लिक करना है। तो ये इमेज आपके कंप्यूटर में सेव हो चुका है, तो मैं इसे ओपन करके दिखा देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये ओरिजिनल साइज पैन कार्ड बन चुका है। तो आप भी इसी तरह से पैन कार्ड का परफेक्ट साइज प्रिंट कर सकते हैं अपने फोटोशॉप की मदद से। तो अगर आपको किसी भी तरह का वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।